हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा गवर्नर एंड डिफरेंस बिटवीन दी फ्लाई व्हील एंड गवर्नर पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था फ्लाई व्हील पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले में अवेलेबल है आप देख सकते हो यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन की जो प्ले होगी वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी और ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा सिलेबस डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आपको कम टाइम में पूरी प्रिपरेशन करनी है टोम की तो भी आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली है तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन यानी कि काम क्या है गवर्नर का यानी कि फंक्शन ऑफ़ गवर्नर इज़ टू रेगुलेट द मेन स्पीड ऑफ एन इंजन व्हेन द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ लोड यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ लोड यानी कि जब लोड कम ज़्यादा होता है तो उस दौरान स्पीड में वेरिएशंस आती हैं इंजन की तो गवर्नर का काम क्या रहता है मेन स्पीड को रेगुलेट करना जब भी क्या होता है एक्चुअली अगर मान लो इंजन जो कि रन करता है अगर इंजन में लोड कॉन्स्टेंट है तो मीन स्पीड जो इंजन की रहेगी वो भी कांस्टेंट रहेगी लेकिन अगर बात की जाए लोड को अगर इंक्रीज कर देते हैं लोड को अगर बढ़ा देते हैं तो स्पीड क्या होती है डिक्रीज़ कर देती है जब लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या करेगी डिक्रीज करेगी तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो उस दौरान हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हमें ज़्यादा फ्यूल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी तो जितना ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होगा देन उसके बाद जो हमारी स्पीड और इनक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होता है फिर अगर उल्टा देखे जब लोड अगर डिक्रीज हो जाता है जब लोड की रिक्वायरमेंट यानी कि लोड कम हो जाएगा तो इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी उस दौरान हमें रिक्वायरमेंट होगी कम फ्यूल की सप्लाई की जाए इंजन तक तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि कब लोड ज़्यादा हो रहा है कब लोड कम हो रहा है देन उसी के अकॉर्डिंग जो फ्यूल की सप्लाई है उसको कंट्रोल करना होता है ताकि जो मेन स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रहे वो चेंज ना हो तो इस तरीके से गवर्नर एक ऐसा डिवाइस है कि जो ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप से कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ द फ्यूल टू द इंजन यानी कि इंजन के पास में कितना फ्यूल जाना है उस फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नर जब भी क्या होता है जब लोड वैरी करता है यानी कि जब लोड वैरी करता है उस दौरान फ्यूल की सप्लाई को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है एंड कीप द मीन स्पीड विद इन सर्टेन लिमिट यानी कि मीन स्पीड जो रहेगी उसकी लिमिट सेट की जाती है देन तो उसी लिमिट के अकॉर्डिंग मीन स्पीड वैरी करती है तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नर जब भी लोड वैरिय करता है पेट्रोल इंजन की अगर बात की जाए तो फ्यूल सप्लाई इंजन की डिपेंड करती है कि ओपनिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ थ्रोटल वॉल्व जो कि ऑपरेट की, की जाती है गवर्नर के द्वारा एक मैकेनिज्म होता है यानी कि गवर्नर उसको ऑपरेट करता है थ्रोटल वॉल्व को कब ओपन करना है कब क्लोज करना है और अगर बात की जाए डीजल इंजन की तो डीजल इंजन के अंदर गवर्नर मैन्यूपुलेट करेगा द फ्यूल पंप थ्रू ए मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म के थ्रू गवर्नर मैन्यूपुलेट करेगा फ्यूल पंप को इस तरीके से काम करता है अगर बात की जाए फ्लाई व्हील एंड गवर्नर तो इसमें वन बाय वन करके डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस है फ्लाई व्हील फंक्शन क्या है फंक्शन के बेसिस पे है The function of flywheel is to control the fluctuation of speed due to variation in the engine turning moment during each uh, cycle of operation. Yani ki, फ्लाई व्हील फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड को कंट्रोल तो करता है लेकिन वो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ये क्यों होती है ड्यू टू वेरिएशन इन द इंजन टर्निंग मूवमेंट यानी कि इंजन का जो टर्निंग मूवमेंट रहता है ना उनकी वजह से जो वेरिएशन आता है ना जब भी साइकिल का वर्क करती है तो ये उस दौरान फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करता है लेकिन गवर्नर क्या करेगा गवर्नर फ्लक् कि गवर्नर इज टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड दोनों ही फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करते हैं लेकिन किस कारण की वजह से करते हैं ये गवर्नर करेगा ड्यू टू द वेरिएशन द लोड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग लोड होते हैं लगते हैं तो उस दौरान जो फ्लक्चुएशन ऑफ़ स्पीड लोड की वजह से होगा यानी कि लोड की वजह से स्पीड कम है ज़्यादा होगी देन उस दौरान ये मीन स्पीड को कंट्रोल करता है लेकिन जो व्हील है ये टर्निंग मोमेंट जो रहेगा इंजन का उस दौरान जो फ्लक्चुएशंस आया है साइकिल में उस दौरान स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है नेक्स्ट क्या है फ्लाई व्हील वर्क कंटिन्यूसली साइकिल का लगातार ये काम करता रहेगा और ये गवर्नर क्या करेगा वर्क इंटरमीडिएटली वेन लोड इज़ वेरी यानी कि लोड जब कम ज़्यादा होगा उसी दौरान ही वर्क करेगा लेकिन ये हर साइकिल में फ्लाई व्हील वर्क करता रहता है नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इफ फ्लाई व्हील स्टोर एनर्जी वेन इट इज़ अवेलेबल इन एक्सेस ऑफ द ऑफ द लोड रिक्वायरमेंट एंड गिव द सेव वेन इट लेस देन द रिक्वायरमेंट ये फ्लाई व्हील स्टोर करेगा एनर्जी अपने आप में जब भी ज़्यादा एनर्जी होगी जब भी पावर स्ट्रोक मिलती है यानी कि जैसे कि फोर स्ट्रोक इंजन की अगर बात की जाए तो उसमें सक्सन कंप्रेशन एंड पावर एंड एग्जस्ट तो हमें पावर स्ट्रोक के दौरान मिलनी पावर मिलती है लेकिन पावर देनी पड़ती है तीन स्ट्रोक के दौरान तो इंजन क्या करेगा व्हील क्या करेगा एनर्जी को स्टोर कर लेगा जो पावर स्ट्रोक में एनर्जी मिली थी उस दौरान एनर्जी को स्टोर कर लेगा एक्स जितनी ज़रूरत थी उसको सप्लाई कर देगा देन उसके बाद जो बाकी की स्ट्रोक होंगी उस दौरान जितनी भी एनर्जी स्टोर करी थी रिलीज करेगा जब भी ज़रूरत होगी तो लेकिन गवर्नर क्या करता है गवर्नर रेगुलेट करेगा स्पीड को बाय कंट्रोलिंग दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट यानी कि किस क्वालिटी का फ्यूल है या कितना फ्यूल की ज़रूरत है लोड के अकॉर्डिंग तो उस दौरान गवर्नर का काम क्या कर रहेगा स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो उस दौरान फ्यूल की सप्लाई को कितनी क्वालिटी जानी है कितना क्वांटिटी जानी है इसको कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इफ लाई विल मे नॉट बी यूज इफ़ देर इज़ नो डिज़ायरेबल साइकिल फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आउटपुट यानी कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है यानी कि एनर्जी का फ्लक्चुएशन यानी कि एनर्जी uh, कम ज़्यादा नहीं हो रही है अगर कॉन्स्टेंट एनर्जी सप्लाई हो रही है तो उस दौरान व्हील की कोई ज़रूरत नहीं होगी उस दौरान फ्लाई व्हील के बिना भी काम चल जाएगा और गवर्नर कहाँ पर ज़रूरत होती है असेंशियल होता आल टाइप ऑफ इंजन एड्स इट एडजस्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड यानी कि ये जितने भी इंजन होते हैं ना सभी में लगता है जहाँ पे भी जो भी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को कंट्रोल करना ये एडजस्ट करना होता है तो उस दौरान ये गवर्नर काम करता है तो जितने भी इंजन होंगे सभी टाइप के इंजन में गवर्नर वर्क करता है यूज़ होते हैं नेक्स्ट क्या है इफ़ फ्लाईविल डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वर्किंग फ्यूल जो वर्किंग फ्यूल रहता है उसकी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है कोई कंट्रोल नहीं करता है फ्लाईविल लेकिन गवर्नर क्या करता है गवर्नर हैज़ टू कंट्रोल ओवर दी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द वर्किंग फ्यूल या किस क्वालिटी का फ्यूल जाना है कितने क्वान्टिटी में जाना है उसको पूरा कंट्रोल करता है गवर्नर जबकि फ्लाईविल नहीं करता है नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इट इज़ प्रोवाइड ऑन इंजन एंड लुब्रिकेटिंग मशीन सच है शीयर मशीन्स पंचिंग मशीन तो ये जो गवर्नर फ्लाई व्हील रहता है ये लुब्रिकेटिंग यानी कि यानी कि फैब्रिकेटिंग इंज यानी कि ये इंजनस में लगता है और फैब्रिकेटिंग मशीन में लगता है जैसे कि शेयर मशीन पंचिंग मशीन वहाँ पर यूज़ होता है फ्लाई व्हील का जबकि जो गवर्नर रहता है ये प्रोवाइड किया जाता है प्राइम ओवर जैसे कि इंजन्स जितने भी इंजन हो गए सभी इंजन्स में लगेगा टर्बाइंस में लगेगा तो इस तरीके से ये डिफरेंस है मेन मेन बेसिक डिफरेंस व्हील एंड बिटवीन द गवर्नर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर आप अपना सजेशन दे सकते हो मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक अपना ख्याल रखना हैव ए नाइस डे